जोधपुर की बोधिसत्व समिति इस बार डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने जा रही है। इस दौरान एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें समिति के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। जोधपुर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर समिति के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि महापुरुषों की जयंती सामूहिक रूप से मनाई जाएगी और दौरान उनके संदेशों का प्रचार प्रसार भी होगा। गौरतलब है कि बोधिसत्व समिति हर साल इस तरह का आयोजन करती है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एवं क्रांति ज्योति ज्योतिबा फुले, इन महापुरुषों की, दोनों महापुरुषों की संयुक्त जयंती महोत्सव समिति जबलपुर द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी भव्य रूप में आयोजित की जा रही है, जो अंबेडकर चौक हाईकोर्ट के पास मनाई जा रही है। यह 29वां वर्ष है। विगत 28 वर्षों से निरंतर ये जयंती को अंबेडकर चौक पर मनाया जा रहा है और इस जयंती में जबलपुर के जितने भी बौद्ध विहार हैं सभी, उसके अलावा विभिन्न प्रकार की एसोसिएशन, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित संगठन, विभिन्न सरकारी महकमे से जुड़े हुए संगठन, उसके अलावा समता सैनिक दल जो बाबा साहब द्वारा खुद स्थापित की थी उसकी जबलपुर इकाई, और भारतीय बौद्ध महासभा जो भी वो भी बाबा साहब द्वारा स्थापित संगठन है उसकी इकाई, सभी मिलकर जबलपुर के अंदर संयुक्त रूप से ये बाबा साहब की जयंती एक कार्यक्रम के रूप में मनाई जाती है भव्य रूप से। इसमें अतिथि उद्बोधन होता है, तो इस वर्ष वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी दिल्ली से आ रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, साथ ही चौधरी विकास पटेल पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष, वो भी नई दिल्ली से आ रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर धम्म संगनी जो अंबेडकरवाद और बुद्धिज्म के ऊपर अपने विचार रखती है वो विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रही हैं, और भंते नेगी सारनाथ वाराणसी से आ रहे हैं जो हमें धम्म देशना देंगे, धम्म और कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम 14 अप्रैल जो कि बाबा साहब का जयंती का दिन होता है, 132वीं जयंती है इस वर्ष बाबा साहब की, तो 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे से हाईकोर्ट चौराहे पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरा नाम दयानंद हराले, मैं इस वर्ष इस कार्यक्रम का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथी हमारे संयोजक इनके टेमुरनी जी बैठे हैं, और हमारे जो इतने 28 वर्ष से इस कारवा को जो लेकर चले आ रहे संरक्षक मंडल के सभी सदस्य यहाँ पे बैठे हैंगे, और इन्हीं के प्रेरणा से आज तक ये कार्यक्रम संयुक्त रूप से अच्छी तरह से जबलपुर के अंदर मनाया जा रहा है। जबलपुर से आशीष बाद्रे की रिपोर्ट।